देखो हमने अपने ऑफलाइन क्लासरूम में देखा है बच्चों को अप्रूव दैट टाइप वाले क्वेश्चन में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो हम आज उन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल आप लोगों के सामने करेंगे कि आप किसी भी प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 9 sec² - 9 tan² ए। देखो इस चैप्टर में हमको क्या करना है, तीन आइडेंटिटीज हमको जो फॉलो करना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। सेकंड देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। जो थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। तो हमने आपके लिए क्वेश्चन लिया है फाइंड वैल्यू ऑफ 9 sec² - 9 tan² ए। तो सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेते हैं, मिल गया sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 9 हो गया इंटू sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, देखो इस फार्मूले में देखो तुम, यहाँ पर देखो 9 tan² थीटा उस साइड में ले जाओ, तो देखो जब तुम उधर ले जाओगे तो तुमको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसके जगह बाबू तुम कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो 9 × 1 तुमको कितना मिल जाएगा 9। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है 9 है। भाई समझ में बुझा रहा है, बहुत बढ़िया। चलो हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं, प्रूव करना है, प्रूव दैट। चलो क्वेश्चन है कॉस पावर 4a, कॉस पावर 4a नहीं है, पहले है साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a। ठीक है, साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो पूरा तुमको ऑफलाइन की फीलिंग आएगी और बेहतर तरीके से सीखोगे तुम, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, पेन और पेपर उठा लो, कोई पिक्चर नहीं देख रहे हो, बैठ गए गाल पे हाथ रख लिए इसको देख रहे हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, पेन और पेपर उठाइए, हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इधर देखो साइन पावर 4 है ना, तो तुम क्या करो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड है साइन पावर 4 ए माइनस कॉस पावर 4 ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो तुम क्या कर सकते हो, हम बनाएंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में तुम क्या लिखोगे, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना रख दोगे, 1 रख देंगे हम लोग, तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। अब नोट करें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। चलो इसको साफ कर दें, चलो क्वेश्चन नंबर जो 3 है प्रूफ ही करना है तुमको, क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आपको कितना लाना है टेन थीटा लाना है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है, हमको क्या लाना है टेन थीटा लाना है। तो करना क्या होगा तुमको, देखो साइन थीटा इंटू सेक थीटा,
साइन को साइन रहने दो, सेक क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा। यही तुम्हारा कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसको नोट करें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है, वन बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। वन माइनस टेन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू वन बाई सेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है। चलो कम ऑन, हो गया। वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा। अब इसमें इधर भी क्या हमको प्योर मैथमेटिक्स ही लगाना है भाई साहब। इसको ए मान लो, ए हो जाएगा बी, इसको ए मान लो, ए हो जाएगा बी, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा। अब देख लो, इसको ए माने हो इसको बी माने हो, तो वन स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन माइनस बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, तुमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। साइन को उधर भेज दो तो तुमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस हो गया, और वन बाई कॉस कितना होता है, सेक होता है, तो हो जाएगा वन बाई सेक स्क्वायर थीटा। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब नोट करो, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। चलो मिटा दें इसको। चलो हमारे पास देखो एक जो बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, हाँ फाइव क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, वन। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमको प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। आप ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करें। चलो हो गया, हम कर रहे हैं। अच्छा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। बात मानते हो, अरे मानना पड़ेगा, आइडेंटिटी है। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब बोलो वन बाई कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन, जो कि हमको मिल गया राइट हैंड साइड RHS। इसको नोट करें, नोट कर लें फटाफट। देखो सबसे पहले क्या करें, आप खुद ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें, वीडियो पॉज कर लिया करें। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या अपने क्लासरूम में जैसा भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, खुद आप प्रैक्टिस करते हो, तो कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में है इस वीडियो का। लेकिन ऐसा नहीं, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, सीधे तुम सोल्यूशन पर आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कर रहे हो तो यार अपने साथ तुम धोखा कर रहे हो। ठीक है, तो चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 1 + cot² θ upon 1 + cosec θ इक्वल टू प्रूव करना है cosec थीटा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 1 + cot² θ upon 1 + cosec θ इक्वल टू क्या प्रूव करना है cosec थीटा। वीडियो पॉज कर लो, कर लिया पॉज, ईमानदारी से पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, चलो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 + cot² θ upon 1 + cosec θ। बोलो इतना बात मानते हो? अरे यार मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर जानते हो तुम 1 + cot² θ कितना होता है, cosec² θ होता है। अब यहाँ पर cot² θ है, तो cot² θ को हम किसके टर्म में लिखेंगे, cosec² θ के। ऐसा लिख सकते हो 1 + cot² θ की जगह पर लिख सकते हो cosec² θ - 1, और नीचे है 1 + cosec θ। अब इधर देखो a² - b² 1 को तुम 1 का स्क्वायर हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 1। देखो a² - b² यानी एक ब्रैकेट में cosec θ + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cosec θ - 1, और नीचे तुम्हारा क्या है 1 + cosec θ। अब देखो cosec θ + 1 और cosec θ + 1 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी बच गया 1 + cosec θ - 1। माइनस से प्लस वाला ख़त्म हो जाएगा और मिलेगा तुमको cosec θ, जो कि है राइट हैंड साइड। आया मज़ा, आया मज़ा। ठीक है, करें इसको, आप इसको नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को आप जनरली अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी तो याद ही रहनी चाहिए, और मैक्सिमम केस में आपको साइन कॉस टैन में ही रहना है। ठीक है, आपको कॉट कोसेक एंड सेक में ज़्यादा जाना नहीं है, यानी जो तीन तुम्हारा मेन आइडेंटिटी है, ठीक है, मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसी पर आपको रहना है, फोकस उसी पर करना है। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको एग्जाम में आने का इसके काफ़ी चांसेस हैं। देखो क्वेश्चन है sin θ - 2 sin³θ, नीचे है 2 cos³θ और माइनस है cos θ, इक्वल टू लाना है tan θ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे। ठीक है, आप पहले यार खुद ट्राई करो उसके बाद ही सॉल्व करो। कर लिया ट्राई? चलो sin θ - 2 sin³θ - 2 cos³θ - cos θ। देखो क्वेश्चन देख ही कर ही लग रहा है कि साइन और कॉस को कॉमन लेना होगा, साइन बाई कॉस ही टैन होगा, बाकी जो चीज़ बच रहे होंगे उनको तो कैंसिल ही होना पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे हम प्रूफ। तो देखो हमको किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा, तो क्वेश्चन को डिकोड किया जाए, डिकोड करें। चलो बहुत बढ़िया, तो आपके परमिशन से हम इसको डिकोड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, देखो sin θ - 2 sin³θ upon 2 cos³θ - cos θ। ठीक है, क्लियर? अब देखो साइन थीटा कॉमन ले लो, इधर साइन इधर साइन, तो साइन थीटा लिया कॉमन, बच जाएगा 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर से कॉस कॉमन ले लो, कॉस थीटा, तो बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब देख लें आप, वन है टू माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब वन के जगह पे अगर हम चाहें तो ये भी तो रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी होती है वन। ठीक है, तो इस वन के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो इसको टेन लिख लो। चलो, वन के जगह पे हम पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना है टू साइन स्क्वायर थीटा। चलो, अब टू कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा देखो, माइनस ऑलरेडी लगा है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोनों, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, इधर प्लस में है, तो घट जाएगा, तो ये तो हो गया टेन थीटा। इधर से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो घट के बचेगा केवल कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बचेंगे। अब दोनों सेम हैं तो ये तो भाई साहब शहीद हो जाएंगे, और आपका जो आंसर आ गया छोटा सा टेन थीटा, जो कि है राइट हैंड साइड। क्लियर आ रहा समझ में, नोट कर लें इसको। अब हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा हो ठीक है, सेशन में मज़ा आ रहा हो। देखो यार, जो तुमसे अब लाइक करने के लिए शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, अगर मज़ा आ रहा हो बस कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। चलो आपके लिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, अब उसको प्रूव करते रहें। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन पावर 6 थीटा कॉस 6 थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो लग जाओ काम पर, लग जाओ फटाफट फटाफट करो, लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो, ये कहने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, आप करते रहो, ठीक है, क्वेश्चन करो, पढ़ाई करो, फालतू का नौटंकी नहीं करना है, ठीक है, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अच्छा देखो, साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा, जब भी पावर, देखो पावर 6 में जा रहा है, ठीक है, 3 के मल्टीपल में जा रहा है, तो जब भी 3 के मल्टीपल में जाएगा तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे फोकस करेंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अब इधर देख लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा। क्लियर, इसको ये बना सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हो, होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हो, होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। इतना क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जिसको मालूम है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी, ये फार्मूला मालूम है सबको। अरे मालूम होगा यार, क्लास 8 में पढ़े हो। ठीक है, तो इधर से देखो, इसको हमने ए मान लिया, ए बी हो गया, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इस ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, अगले ब्रैकेट में रखना है ए स्क्वायर, यानी साइन के पावर हो जाएगा 4 थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो होगा कॉस के पावर 4 थीटा,
माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है इतना हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन, तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, बच रहा है साइन पावर फोर थीटा कॉस पावर फोर थीटा, माइनस हो जाए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक गुरु मंत्र ले लो हमसे, ठीक है। अगर पावर ठीक है दो का मल्टीपल हो तो उसको किस में लेके जाओगे तुम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लेके जाओगे, ठीक है। ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो क्या करना होगा तुमको। देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर लिख सकते हो, भी लिख सकते हो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस टू ए बी चाहिए, तो टू ए बी यानी टू साइन स्क्वायर, ठीक है, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हम इतना ही जोड़ रहे हैं, इतना जोड़ेंगे अपनी तरफ से, इतना घटाना तो पड़ेगा, तो घटा भी इतना दो, टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ऑलरेडी है कितना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या बनेगा भाइयों मित्रों, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बने जाएगा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर इस ए वन हो जाएगा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही क्या होगा आर एच यस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।